तो गाइस चलिए हमारी चैट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुरमुरा ऐड करेंगे। हम लोग ये पानी पूरी ऐड करेंगे, इसको हमें अच्छे से क्रश कर लेना है, और सेव पूरी ऐड करेंगे। फिर हम लोग, बात आई चाट की, तो चाट की कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं होती, उसमें आप बहुत सारे नमकीन या फिर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अपने हिसाब से आप अपने टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, पर ये मेरा स्टाइल है मुरमुरा भेल बनाने का। और फिर हम सारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सारे घर के मसाले यूज़ किए। फिर हम लोग थोड़ा नमक ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो नमक को स्किप करके आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, मैं पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा हूँ और फिर मैं ये चटनी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि चटनी ऐड करने के बाद आपको जल्द से जल्द ये जो रेसिपी है ना उसको सर्व करना पड़ेगा, वरना आपकी जो चाट है वो सॉगी हो जाएगी। अब ग्रीन चटनी और इमली और खजूर की चटनी ऐड करोगे, जिससे आपकी रेसिपी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। इतनी मिक्स करने के बाद अच्छे से उसको टॉस कीजिए और उसको जल्द से जल्द सर्व कीजिए। अगर आपने घर पे बहुत टाइम से मुरमुरे यूज़ नहीं किए और वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आप उसको 2 मिनट के लिए ओवन में या फिर कढ़ाई में कुक कीजिए, जिससे वो एक क्रंच आ जाएगा, जिससे आपकी चाट का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि चाट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चटनी का स्वाद और बाकी सब इन्ग्रीडियंट्स का एक क्रंच।